सो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ इस तरह के फोटो एडिटिंग सिखाने वाला हूँ, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मून फोटो एडिटिंग। वीडियो को यार बिल्कुल लास्ट तक देखते रहना ताकि आप भी सेम टू सेम ऐसे फोटो एडिट कर पाओ। और अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो सब्सक्राइब, एंड वीडियो को लास्ट में लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, तो मैंने पिक्सआर्ट के डैशबोर्ड में बैकग्राउंड ऐड कर लिया है। ऐड करने के बाद बैकग्राउंड, फिर आपको यहाँ से ऐड फोटो में जाना है, ऐड फिर आपको यहाँ से मॉडल पीएनजी ले लेना है। ये रहा हमारा मॉडल पीएनजी, इसका यार मैंने पहले से ही बैकग्राउंड रिमूव कर रखा है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखी है, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके देख सकते हो मैंने इसका कैसे इतने अच्छे तरीके से बैकग्राउंड इरेज किया है। इसको करने के बाद फिर आपको यहाँ पे फ्लिप रोटेट में जाना है, एंड फिर इसको हम कर लेंगे रोटेट, एंड फिर आपको इसको यहाँ पे कर लेना है सेट। सेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे ऐड फोटो में जाना है फिर से, एंड फिर आपको यहाँ पे एक पीएनजी मिलेगा, ग्रास पीएनजी। इसको मैं यहाँ पे नीचे की साइड आपको कर लेना है सेट। सेट करने के बाद फिर आपको यहाँ पे सिंपल सा डुप्लीकेट ऑप्शन पे जाना है, एंड फिर आपको यहाँ पे मूव डाउन पे क्लिक कर लेना है। मूव डाउन पे क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे मॉडल पीएनजी को सेलेक्ट कर लेना है, एंड फिर आपको यहाँ से इरेजर आइकन पे जाना है। जो हमारा एक्स्ट्रा पार्ट है उसको मैं यहाँ से कर लेता हूँ इरेज, जो हमारी ग्रास है उसको मैं कर लूँगा यहाँ से इरेज अच्छी तरीके से। सो गाइज, तो हमारा इरेज हो चुका है, एंड फिर आपको यहाँ से कर देना है सिंपल सा राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ पे ऐड फोटो में फिर से जाना है, एंड एक स्मोक पीएनजी यहाँ से ले लेना है। स्मोक पीएनजी लेने के बाद इसको हम यहाँ पे इसके ऑपेसिटी को आपको कर देना है कम। कम करने के बाद इसको मैं यहाँ में नीचे की साइड आपको कर लेना है सेट। सेट करने के बाद सिंपल से यहाँ से कर देना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ से जाना है ड्रा टूल्स में, एंड इमेज को कर लेना है सेव। तो गाइस, हमारा पिक्सआर्ट का काम पूरा हो चुका है, अब हमें लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है। सो गाइस, तो मैंने ये लाइटरूम के डैशबोर्ड में जो हमने पिक्सआर्ट से सेव की थी वो फोटो ऐड कर ली है, एंड इसको आपको लाइट ऑप्शन पे जाना है, एंड इसके कॉन्ट्रास्ट को आपको थोड़ा सा कर देना है +6, एंड हाईलाइट को भी थोड़ा सा बढ़ा दें +5, एंड शैडो को आपको कर देना है -9, एंड वाइट्स को आपको यहाँ पे बढ़ा देना है +17, एंड ब्लैक्स को आपको यहाँ पे कर देना है -24, एंड फिर आपको कलर ग्रेडिंग ऑप्शन पे जाना है, एंड फिर आपको यहाँ पे टेम्परेचर को थोड़ा सा आपको कर देना है यहाँ पे माइनस में -6, एंड आपको टिंट को आपको यहाँ पे बढ़ा देना है 8 तक कर देना है, 8-9, मतलब आप जितना अच्छा लगे ना उतना आप कर सकते हो। एंड फिर आपको यहाँ पे वाइब्रेंस को आपको कर देना है -4, एंड फिर आपको यहाँ पे मैनुअल तरीके से आपको यहाँ पे जाना है, एंड फिर आपको यहाँ पे ब्लू कलर सेलेक्ट कर लेना है यहाँ से, एंड फिर आपको इसकी सैचुरेशन को 36 तक कर देना है, एंड आपको लुमिनेंस को बढ़ा देना है, एंड फिर आपको यहाँ से कर देना है राइट क्लिक। राइट क्लिक करने के बाद गाइज आपको यहाँ पे क्लैरिटी ऑप्शन पे जाना है, एंड फिर आपको यहाँ पे क्लैरिटी को थोड़ा सा बढ़ा देना है, एंड डीएस को आपको कर देना है यहाँ पे -15, एंड फिर आपको यहाँ पे टेक्सचर को -15, एंड डीएस को आपको +10 कर देना है। एंड इसको करने के बाद फिर आपको यहाँ पे शार्पनिंग को कर देना है 71 तक रखना है, एंड फिर आपको नॉइज रिडक्शन को 31, एंड डिटेल्स को आपको थोड़ा सा बढ़ा देना है। जितना आपको अपने पिक में अच्छा लगे ना उतना आप बढ़ा सकते हो। यहाँ से मास्किंग को हम थोड़ा सा बढ़ा लेंगे यहाँ पे, एंड फिर आपको यहाँ पे कलर नॉइज रिडक्शन को बढ़ा लेना है, एंड स्मूथनेस को आपको थोड़ा सा बढ़ा लेना है 60 तक, एंड फिर आपको यहाँ पे डिटेल्स को भी थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे यहाँ से, एंड फिर आपको यहाँ से नेक्स्ट ऑप्शन पे जाना है, एंड रिमूव क्रोमेटिक एब्रेशन को ऑन कर देना है, एंड लेंस प्रोफाइल करेक्शन को भी ऑन कर देना है। इन सभी को करने के बाद अब हमारी पहले देखो फोटो कैसी थी, और अब देखो मतलब कितनी मस्त हो चुकी है यार फोटो। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। We'll be right back.